नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले के चुराटा थाना क्षेत्र में जमकर संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसका खुलासा स्थानीय युवक ने किया है, जिसने बताया कि थाना क्षेत्र में किस तरह से अवैध कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। युवक के द्वारा एक वीडियो भी हमें उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसने दावा किया कि वीडियो स्वयं उसने बनाया है, जिसमें किराना की दुकान में खुलेआम शराब और गांजे की बिक्री हो रही है। युवक के द्वारा थाना प्रभारी चुराटा को सूचना दी गई तो थाना प्रभारी समय पर दबिस नहीं दिए, और जब पुलिस दबिस देने पहुंची भी तो पूर्ण रूप से तलाशी नहीं ली गई, बल्कि शिकायतकर्ता के साथ उल्टा गाली गलौज करते और साथ ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे दी। पीड़ित युवक ने अपना वीडियो बनाकर हमें उपलब्ध कराया, जिसने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पूरे थाना क्षेत्र में ही अवैध अतिक्रमण, अवैध कारोबार संचालित हो रहा है। यह सब कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। युवक अपने क्षेत्र को नशा अवैध कारोबार से मुक्त कराना चाहता है तो पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाती है, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। जगह जगह अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं, नशीले कफ सिर्प गांजा दारू बिक रही है, लेकिन पुलिस अपनी आंखें बंद कर रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुखबिर ने सूचना दी तो पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उल्टा के साथ गाली गलौज की, जिससे अब युवक क्षुब्ध है। युवक ने कहा कि पुलिस जब पहुंची तब दुकानदार अपनी दुकान से अवैध पदार्थों को हटा चुका था, जिससे यह साफ होता है कि पुलिस ने ही कारोबारी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी तो उसे खाली हाथ लौटा पड़ा। युवक ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस अच्छी तरह से तलाशी भी नहीं ली, सिर्फ खाना पूर्ति कर लौट गई। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय युवक नीलेश त्रिपाठी को, जिसने क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों का भंडाफोड़ किया और किराना की दुकानों में किस तरह से अवैध कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है, इसका वीडियो बनाया है। अभी वही तरफ चलते है ना, तुम्हारे उधर ले लो, वही चलते है। मैं नीलेश कुमार त्रिपाठी, वार्ड 2 2 ही सिग्नेट फैक्ट्री के पास में रहता हूँ। उद्योग बिहार में जितने भी गलत काम होते हैं सब में पुलिस वालों का सहयोग रहता है। चौराहे में लवकुश केसरवानी, पिंटू केसरवानी और सोनू केसरवानी, ये तीनों जन्मजात यहीं दारू बेच के जिंदगी चला रहे हैं। उनके पास 3-3 फोर व्हीलर हैं, एक बुलेट है, एक स्कूटी है, सोने की चैन पहन के चलते हैं और घर बनवा लिए हैं इतना बड़ा, पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टी हैं अलग इनके पास। पिंटू के सरवानी का साला है जो पान मसाला का बिजनेस करता है, स्कूटी में वो दारू बेचता है, कोई उसको कुछ नहीं पकड़ता। कल मैंने TI साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक जगह छापा मार दीजिए, उद्योग बिहार एरिया में 2 ही गाँव के पास पटेल लोग ढाबा खोले हैं, उनमें तीन लोग उसमें साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं, 3-3 डीलर हैं, तीनों मिल के ये बिजनेस को पूरा करते हैं। मुझे किसी ने बताया, वहीं उन्हीं के गांव का है एक, उसने बताया भैया यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसके कारण बड़ी परेशानी हो रही है इस दुकान में। बल्कि ढाबे में तो बेचते ही हैं, लेकिन ढाबे का पूरा आइटम यहाँ रहता है दुकान में, मोदी पटेल की दुकान में जो खाली पड़ी रहती है उसकी दुकान में पूरा आइटम रहता है, सारी शराब रहती है सबके, तीनों पार्टियां अलग अलग शराब मंगवा के उसी दुकान में रखते हैं। उन पार्टियों में राम सिंह, मोदी पटेल, कमलाकर पांडे, ये तीनों हैं। हो सकता है मेरी खबर झूठी हो गई, कल सब लोग आए, TI लोग आए, जितने भी आए, पुलिस वाले आए, सब आए, ढाबे में नहीं मिला कुछ भी, दुकान में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन राजकुमार कोल है एक, 2 ही गांव का राजकुमार कोल, जिसको मैंने भेजा पैसा देके कि जा उसके यहाँ से, राम सिंह के यहाँ से, ढाबा से वो ले आ दो एक पाव दारू का गुआ और एक गांजा का पुड़िया ले आना 50 वाली, जिससे कि ये साबित हो जाए कि हाँ वो रखा है। वो लेके भी आया उसके दुकान से, लेकिन उस समय पुलिस वाले वहाँ पे नहीं थे। जब मैंने पुलिस वाले जब आ गए, TI भी आ गए, सब लोग आ गए, तो मुझे उस दुकान के पास बुलवाए। TI साहब बोले यहाँ आओ, दुकान के पास आओ, तुम लिए ढाबे में देखे इधर उधर, थोड़ा बहुत तलाशी लिए, पूरी तलाशी भी नहीं लिए,
और दो तीन लोग दारू पी रहे थे वहाँ बैठ के, तो बोलते हैं बेयर हाउस से लेके आए दारू। दारू क्या, रात में 12 बजे बेयर हाउस खुला रहता है, 11 बजे रात में बेयर हाउस खुला रहता है, 10 बजे बेयर हाउस खुला रहता है, 8 बजे बेयर हाउस खुला रहता है, 6 बजे तक ना बेयर हाउस खुला रहता है। सब जानते हुए भी फिर उन चार लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से लेके आए, तो बोलते हैं बेयर हाउस से लेके आए। मैंने उनको गुस्से में ये बोल दिया कि तुम लोग सब लोग ऐसी तैसी करवाते हो, गाली दे दिया मैंने। ठीक है, मेरी गलती है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, वो मेरी गलती है, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, एक नंबर का काम करते हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कैसे क्या जिया जाता है, कैसे कहाँ रहा जाता है। मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मेरे पापा लोग मुझको गलत समझते हैं, मेरी मम्मी गलत समझती, मेरी वाइफ गलत समझती, मेरा भाई गलत समझता, मुझे पूरी दुनिया गलत समझती है, और मैं गलत हूँ भी, मैं भी बोलता हूँ मैं गलत हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, मैं हूँ क्या, मैं खुद भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। सबसे बर्बाद इंसान है दुनिया का, सबसे अकारत, मतलब निठल्ला जिसको बोलते हैं, जीरो, वो जीरो हूँ मैं, जो कहीं भी लग जाए, अगर फिट भी हो जाए तो उनको भी जीरो कर देता हूँ, उनके साथ भी जीरो ही होता है। कल किसी को कुछ नहीं मिला तो TI ने मुझसे बोला कि तुम उसको गाली क्यों दिए, तो सामने वाले व्यक्ति को बोलता है TI कि इसको, इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाओ, चलो चलो मेरे साथ थाने रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने बोला ठीक है चलिए आप, तो मुझे बोलता है कि तुमको मैं जूते से मारूंगा, तुम्हारे गाल में जूते से मारूंगा, तो समझ में आ जाएगा तुमको मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण, ठीक है, ना मुर्गा खाता, ना मांस खाता, ना मछली खाता, कुछ भी नहीं करता, बस हमारे गांव घर में गलत हो रहा है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ मैं ही गलत हूँ, किसी का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, किसी के फटे में टांग डालना गलत बात है, लेकिन गाँव घर में इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। हम लोग कुछ तय नहीं है, यहाँ के यूपी बिहार के लोग आए, चौराहा पूरा कब्जा कर लिए, AKBN की ज़मीन है, AKBN खाली करवा रही थी, अतिक्रमण हट रहा था, लेकिन अजय शुक्ला जी ने रोक लगवा दिया उसको, उसको भी नहीं हटने दे रहे। क्यों नहीं हटने दे रहे, क्योंकि इतना जो पैसा दिए हैं, चौड़ा थाना खरीद के रखे हैं, 15 साल यहाँ थाना है, तब भी 15 सालों से यहाँ बिजनेस चल रहा है। पहले लव कुश केसरवानी के पिताजी करोड़ी मल थे, तो वो बिजनेस का शुरुआत किए, अब उसके बाद लव कुश केसरवानी, पिंटू केसरवानी, सोनू केसरवानी, तीनों भाई मिल के उस बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और चौराहा में कई लोग अब शुरू कर दिए हैं, केदार यादव हो गया, राम सिंह लोग हो गए, श्याम लाल कुशवाहा हो गया, मोदी पटेल हो गया, कमलाकर पांडे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।